हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड न्यूट्रोब्रेन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज जनरेटर के। सो हाई वोल्टेज जनरेटर क्या होता है, इसको कैसे बना सकते हैं, तो ये हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने तीन पार्ट को कवर किया हुआ है। पहला पार्ट है, हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैसा सर्किट है और क्या क्या कंपोनेंट की वैल्यू है। ओके, देन सेकेंड हम लोग देखेंगे इसको सिमुलेट करके, तो आफ्टर सिमुलेशन क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को वो हम लोग देखेंगे और इसका वेव फॉर्म कैसा होता है। देन थर्ड हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसका वोल्टेज जनरेट होता है और वो क्या होता है हाई वोल्टेज जनरेटर। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे अगर आपने बेल बटन को प्रेस कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, हाई वोल्टेज जनरेटर को समझने के लिए पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर समझेंगे, उसके बाद हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे। तो देखते हैं बेसिकली इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो एक हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और जो दूसरा मेन चीज़ है वो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किटरी है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किटरी में हम लोग कैपेसिटर एंड डायोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के इनपुट में हाई फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम लोग स्टेप अप कर ले रहे हैं V1 वोल्ट से V2 वोल्ट में। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो V2 इज ग्रेटर देन V1, ओके। सो यहाँ पर जो सर्किटरी यूज़ किया जा रहा है वो मॉस्किटो बैट में भी यही सर्किटरी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मॉस्किटो बैट में जो 4 वोल्ट की DC बैटरी लगी होती है उससे हम लोग V2 में कन्वर्ट करते हैं, उस वोल्टेज को हम लोग V2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे AC सोर्स जनरेट करने के लिए एक दूसरा सर्किटरी लगा होता है, जिस सर्किटरी को जूल थीफ सर्किट बोलते हैं। सो उस सर्किटरी का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को बेसिकली फेराइट कोर के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें प्राइमरी टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स होते हैं, जिसको प्राइमरी को हमने N1 कर दिया, सेकेंडरी को N2 बोल दिया है। अब इसका जो N2 टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल को हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, जिसका आउटपुट यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो हाई वोल्टेज जो पोर्शन है, दैट इज अ हाई वोल्टेज आउटपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हाई वोल्टेज हमको मिलेगा, और यही दो टर्मिनल मॉस्किटो बैट में कनेक्ट कर दिया जाता है उसके नेट पर। तो उसमें तीन नेट होते हैं, एक सेंटर वाला होता है और एक आउटर होता है, एक और एक दूसरा आउटर होता है, ठीक है, सेकेंड साइड में। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ये दो टर्मिनल, किसी भी दो टर्मिनल को किसी भी दो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए, दो टर्मिनल पे, और तीसरे मिडिल वाले को एक सिंगल टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका मॉस्किटो बैट रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने ये डायोड यूज़ किया हुआ है और कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। तो इस बेसिकली सर्किटरी में तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3 और D1, D2, D3, थ्री डायोड्स हैं, और इनका वैल्यू जो है, जो यहाँ पे जो C1 है वो C2 है, दोनों सेम हैं, और उसका वैल्यू 100 पिको फेराडे और 3000 वोल्ट का है, ओके। और यहाँ पे जो डायोड यूज़ किया हुआ है D1, D2, D3, ये तीनों डायोड इक्वल है, और इसका जो वैल्यू है वो R4000F, ये एक वेरी फास्ट रिकवरी डायोड है, जिसका इस डायोड का अगर आप डेटा शीट देखेंगे तो ये 500 नैनोसेकंड का रिकवरी टाइम है इसका, और ये 4000 वोल्ट का रेटेड डायोड है, और इसका मैक्सिमम जो करंट है, एवरेज करंट, वो 200 मिली एम्पियर है। तो इस मॉस्किटो बैट और या इस हाई वोल्टेज जनरेटर के लिए ये सफिशियंट है, ठीक है। तो और जिसमें जो थर्ड कैपेसिटर है वो कैपेसिटर है 22 नैनो फेराडे का, ओके। और ये जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज है वो 2000 वोल्ट है। आप ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ करेंगे तो जल्दी नहीं ख़राब होगा, और बेसिकली जो मॉस्किटो बैट्स ख़राब हो जाते हैं वो बेसिकली इसी की वजह से, क्योंकि ये वोल्टेज लेस होता है, अगर ज़्यादा सर्किटरी में वोल्टेज आ गया तो वो डैमेज कर देगा सिस्टम कैपेसिटर को, और वो सर्किटरी काम नहीं करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेन सर्किट है हाई वोल्टेज जनरेटर का। तो यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे सिमुलेट करके कि कैसा दिखाई देता है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली ऑन करके देखेंगे कि वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है इसका। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये सर्किटरी सेम है जो हमने ब्लैकबोर्ड पे देखा था, अभी इसको हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे। तो ये देखिए, इनपुट में हमने सप्लाई सोर्स यूज़ किया है V1 471 वोल्ट, और यहाँ पे हमने 500 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रखा है इसका,
और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने ये डायोड कैपेसिटर्स जो भी इसमें लगे हैं वो सारे यूज़ किए हैं, और आउटपुट में यहाँ मल्टीमीटर एंड ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर दिया है हमने। अभी हम लोग इस ऑसिलोस्कोप पर क्लिक करके देखते हैं और मल्टीमीटर को ऑन करेंगे, और अब हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे कि कैसा वेवफॉर्म आता है। तो देखिए हमने सिमुलेशन ऑन किया, तो यहाँ पे ब्लू वाला आप दिखाई देख रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज आ रहा है, और जो रेड वाला आ रहा लाइन वो डीसी वोल्टेज आ रहा है। देखिए डीसी वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है, और मल्टीमीटर में देखेंगे तो ये 1.6 1.8 kV पहुँच चुका है। तो ये स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, बहुत टाइम डिविजन हमने कम करके दिखाया है आपको, 50 मिली सेकेंड्स में हम आप दिखा रहे हैं, बट ये विद इन सेकेंड के अंदर पूरा रीच हो जाएगा। तो देखिए अभी इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए हमने एक्सपेंड किया है, टाइम डिवीज़न को भी कम किया है। अब इसको हमने रिवर्स किया ताकि ब्लू स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो वाइट स्क्रीन हमको दिखाई देगा। तो देखिए इनपुट का फ्रीक्वेंसी को हम अभी टाइम डिवीज़न कम किया हमने, तो इनपुट का फ्रीक्वेंसी ब्लू वाला जो है वो इनपुट सोर्स वोल्टेज है V1, और आउटपुट में वो रेड वाला जो वोल्टेज है वो V2। अभी हमने इसको दोबारा सिमुलेट कर किया, देखिए कैसा वेवफॉर्म आ रहा है इसका। तो ये रेड वाला हमारा कांस्टेंट वोल्टेज स्लोली स्लोली बिल्डअप हो रहा है, और बिल्डअप होकर के यहाँ पे पूरा अभी बिल्डअप हो चुका है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 kV के आसपास है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सो फ्रेंड्स, ये है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, जिसमें वोल्टेज हमको इन दो वाइट वाले टर्मिनल के बीच में मिलेगा, और ये आप देखिए ये जो कैपेसिटर है यही फाइनल आउटपुट कैपेसिटर है C3, और यहाँ पे तीन डायोड आपको दिखाई देंगे ब्लैक रंग के, ये तीन डायोड हैं, और यहाँ पे जो आपको दो ब्लू दिखाई दे रहा है वो PF कैपेसिटर है। ओके, और ये जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। तो इस सर्किटरी को हम लोग पावर देंगे, एक छोटा पावर बैंक यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमारे पास में ये पावर बैंक है, इस पावर बैंक से हम लोग इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे 5 वोल्ट। हमारे पास 4 वोल्ट तो अवेलेबल नहीं, इसलिए हम लोग 5 वोल्ट देंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि कैसे वोल्टेज जनरेट होता है। तो चलिए हम लोग पहले कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने कनेक्शन कर लिया है, आपको दिखा देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक वाला कनेक्शन कर दिया है ब्लू के साथ में निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव को रेड से कनेक्ट कर दिया है, और ये पावर बैंक है। और हम लोग इस टेस्टर की मदद से इस स्विच को ऑन करेंगे, जो यहाँ पे पुश बटन हम लोग प्रेस करते हैं मॉस्किटो बैट में, उस बटन को हम प्रेस ना करके हम लोग जस्ट शॉर्ट करेंगे और ऑन के देखेंगे कि कैसा क्या हाई वोल्टेज आता है क्या। ये टेस्ट हम लोग को केयरफुली स्टार्ट करना है, देखिए। मैं लाइट बंद करता हूँ एक बार, फिर देखेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा एयर गैप इंक्रीज़ कर देंगे दोनों टर्मिनल के बीच में, ताकि जो साउंड आएगा वो बुलेट का आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हाई वोल्टेज इंजीनियर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे नए लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले।